permutation, find the value of n if np4 equal to given that 20 into np2. n की वैल्यू r की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं. आपको एक कंडीशन दे देता है, उस कंडीशन से हमको n r की वैल्यू निकालना रहता है. इस क्वेश्चन में n फाइंड करना है, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू ले लिया है, ये पूरी कंडीशन दी हुई है. तो जो कंडीशन है उसको ले लीजिए और सॉल्व करते चलिए, आगे जाके खुद n की वैल्यू निकल आएगा. n p r के सिंटेक्स में अरेंज करें तो n p 4 को क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, यानी n माइनस फोर का फैक्टोरियल इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर, यानी n माइनस टू का फैक्टोरियल. अब आप सोचिए क्या पॉसिबल है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, ये ऊपर ऊपर काट सकते हो, दैट मींस इसको अगर नीचे लाओगे तो ऊपर नीचे कटेगा. यहां टर्म सिंपल है, यहां भी सिंगल टर्म है, ऊपर नीचे n माइनस फोर का फैक्टोरियल है. तो यहां से हमें हिंट मिल रहा है, इसको हम ऐसा अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल n कैसे लिखते हो आप, n फिर डाउन ऑर्डर में आते जाता है n माइनस टू, जहां से रोकना है वहां से वन तक को आप फैक्टोरियल की साइन लगा सकते हो. तो वैसे ही n माइनस टू को डाउन ऑर्डर में ले जाओ, n माइनस टू इन टू नेक्स्ट n माइनस थ्री नेक्स्ट n माइनस फोर, यहां से वन तक को फैक्टोरियल लगा दिए. अब ये ऊपर ऊपर इनको काट दिए, ये नीचे नीचे सब इन टू में है, कट गया. ये दोनों का इंटू ऊपर कट के वन है उसके साथ आ गया, यहां का वन इंटू ट्वेंटी ऊपर आ गया. फिर से देखिए ये दोनों कट रहा, ये दोनों कट गया, वन बाय वन है, इसका इंटू वन के साथ ये रखा हुआ है, वन इंटू ट्वेंटी ऊपर का ये रखा. ये दो फैक्टर फॉर्म में है तो ट्वेंटी को फाइव इंटू फोर लिख सकते हैं. एक एक फैक्टर को कंपेयर करके दोनों तरफ दोनों साइड से एन की वैल्यू ट्रांसफर करने के बाद इनको क्या मिल रहा है, सेवन. सो एन इक्वल टू सेवन अवर फाइनल आंसर.